इस वक्त मैं आज़म क्लॉथ मार्केट में मौजूद हूँ। आज यहाँ पर एसपी सिटी इखलाकुल्ला तारर साहब ने यहाँ पर शिरकत की है और आज यहाँ पर ताजरान के जो तहफ़ुज़ात थे, सदर आज़म क्लॉथ मार्केट सरबुलंद ब्लॉक लियाकत सिटी की ज़ेर क़यादत आज यहाँ पर ताजरान ने मुलाकात की है एसपी साहब से और अपने तहफ़ुज़ात से, अपनी मुश्किलात से, अपने मसाइल से एसपी साहब को आगाह किया। एसपी साहब ने मुकम्मल यकीन दहानी कराई है ताजरान के मसाइल दूर करने के। एसपी साहब मौजूद हैं, इखलाक साहब क्या कहेंगे आज जो आपने दौरा किया, ताजरान के मसाइल सुने, क्या कहेंगे? ये जी बड़ा अच्छा और फ्रूटफुल विज़िट था। एक तो कम्युनिटी के साथ इंट्रैक्शन हो गया है, सेकंड ये है कि इनके जो मसाइल हैं उनके बारे में एक कह रहे हैं कि मज़ीद बेहतर जानकारी हो गई है। मसाइल ज़्यादातर थे उनके जो फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड, एफआईआर की रजिस्ट्रेशन थी, स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हैं, बाकी जो इनके जो एम्प्लॉज़ हैं उनके साथ जो चेकिंग का सिस्टम है इस हवाले से बातचीत हुई है। तो अपना इंशाल्लाह इनकी कोऑर्डिनेशन भी साथ रहेगी और अपना एक मैकेनिज़म इस हवाले से बनाएंगे और चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर चलेंगे। मुंशियात की रोकथाम के लिए आपकी जो खिदमात हैं वो काबिले तहसीन है, तो मज़ीद क्या इसमें इकदाम किए जा रहे हैं लाहौर शहर को मुंशियात से पाक करने? इसमें इकदाम तो ये हैं कि जो समाज नासर लोग हैं जो मुंशियात में इन्वॉल्व हैं उनकी बाकायदा हमने लिस्टें बनाई हुई हैं, सप्लाई चेन कहाँ से आती है, जो फिर एक्टिवली इन्वॉल्व हैं और ड्रग पेडलिंग करते हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं और डेली बेसिस के ऊपर ये है। इस एसपीओ साहब का ये विज़न भी ये है कि इन चीज़ों को इम्प्रूव करें और ख़ासतौर पर जो मंशियात हैं उसमें, इवन कि हम तो ये ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर उन जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन कर रहे हैं जहाँ पर इस किस्म की या कोई चीज़ अगर कोई सेल आउट होती है। बाकी जो मंशियात की लानत में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। नाज़रीन, हाजी लियाकत अली सेठी साहब मौजूद हैं सदर आज़म क्लॉथ मार्केट सरबुलंद ब्लॉक, उनसे हम बात करते हैं। सेठी साहब क्या कहेंगे जो एसपी सिटी ने आज आज़म क्लॉथ मार्केट का दौरा किया और आपकी ज़ेरे क़यादत ताजरान ने कसीर तादाद में शिरकत करके अपने तहफ़ुज़ात से एसपी साहब को आगाह किया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, सबसे पहले तो मैं इखलाक तारर साहब का बहुत बेहद मशकूर हूँ, एसपी सिटी साहब का, कि वो तशरीफ़ लाए और हमारे ताजरों के जो मसाइल थे छोटे छोटे उनको सुना और उन्होंने इंश्योर किया है कि अगर कोई भी एसएचओ, कोई भी थानेदार आपकी बात नहीं सुनता तो मेरे दरवाज़े इंशाल्लाह आपके लिए 24 घंटे खुले हैं, बल्कि उन्होंने अपना नंबर भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि जी आपको कोई भी किसी तरह का भी मसला हो तो मैं इंशाल्लाह उसके हल के लिए तैयार हूँ। हमारे छोटे छोटे से लेन देन के मामला होते हैं तो कोई अगर थाने में चला जाए तो उसके साथ वो अच्छा सलूक नहीं होता था, मगर एसपी साहब की शुक्रिया जी, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह हमें इंश्योर करवाया है कि इंशाल्लाह ताला कोई भी मसला हो, अगर कोई एसएचओ साहब उनको उन्होंने तंबीह किया है कि ताजरों को मुकम्मल प्रोटोकॉल और उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखा जाए और इनके जो भी मसाइल हैं सुने जाएँ, अगर वो नहीं सुनते तो मेरे दरवाज़े खुले हैं, मैं इंशाल्लाह खुद आके आपके मसले को देखूँगा और हल करूँगा। मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ। किंगडम वैली एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो देगा आपके घर के ख्वाब को ताबीर। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा मुनासिब कीमत और एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट, जो न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और चक्री इंटरचेंज से चंद मिनट के मुसाफत पर वाक़े है।